40 वर्षीय प्रशांत ठाकुर की हत्या के मामले में पुलिस ने चंद घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम प्रहलाद ठाकुर है, जिसने प्रशांत की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। रांची पुलिस ने आरोपी को आधारताल रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक कांचीपुरम निवासी प्रहलाद की मां के मृतक प्रशांत से अवैध संबंध थे। कई बार प्रहलाद ने मृतक को घर आने के लिए भी मना किया, पर प्रशांत मानने को तैयार नहीं था, लिहाजा प्रहलाद ने उसकी हत्या करने का मन बना लिया। बताया जा रहा है कि मृतक का बीते 15 साल से आरोपी के घर आना जाना था। अब चूंकि प्रहलाद 22 साल का हो चुका था और उसने कई बार घर आते जाते भी देखा। इतना ही नहीं, आरोपी ने कई बार घर आने के लिए प्रशांत को मना किया, पर वो नहीं माना। कल देर रात भी शराब पीकर मृतक के घर पहुंच गया, जो कि प्रहलाद को नागवार गुजरा। आवेश में आकर उसने लाठी डंडों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। इधर रांची थाने को जैसे ही सूचना मिली, वैसे ही थाना प्रभारी नीरज वर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी कर शाम को प्रहलाद को आधार ताल के पास से गिरफ्तार किया है। कल कांचीपुरम कॉलोनी से एक अज्ञात व्यक्ति ने 100 डायल को सूचना दी थी कि वहाँ पे एक व्यक्ति की हत्या हो गई। उस सूचना पे पुलिस बल पहुँचा तो हमने देखा कि वहाँ पे प्रशांत और हीरा ठाकुर नाम का व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा था, जिसके सिर पे, चेहरे पर और छाती पे चोटों के निशान थे और घटनास्थल के निरीक्षण से ऐसा लग रहा था कि उसको लठ से और ईंट से मारा गया है। तो उसी आधार पे पता चला कि उसको प्रहलाद ठाकुर नाम के व्यक्ति के द्वारा मारा गया है। फिर टेक्निकल सहयोग हमको मिला, जो पुलिस की टेक्निकल टीम होती है, और आधारताल रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर और उनके गैंगमैन के सहयोग से पता चला कि वो आधारताल रेलवे स्टेशन और शोभापुर रेलवे स्टेशन के बीच में कहीं रेलवे ट्रैक पर है। तो दोनों तरफ से टीमों को रवाना करके उसको पकड़ा गया देर रात। पकड़ने पर उसने बताया कि प्रशांत और हीरा ठाकुर के उसकी माँ से अनैतिक संबंध थे, जिससे कि उसको आपत्ति थी और इसी बात से नाराज होकर और काफ़ी देरों से वो सोच रहा था इनकी हत्या करने की। तो आज उसने बुरी तरीके से मार दिया था कल की रात को, और अभी आज सुबह इसकी डेथ भी हो गई है।